Order number two, Senator Hilal Rahman, Chairman, Standing Committee on States and Frontier Regions. Please move order number two, sir. Bismillahir Rahman Rahim. Thank you, Jamal Chair. I, Chairman, Standing Committee on States and Frontier Regions, to present a special report of the committee regarding corruption and embezzlement in the funds of SAP SDGs Program Development Scheme executed by the Park PWD and Tribal District Mohammed and Tribal District Bajod for financial year 2021-2022. रिपोर्ट स्टैंड्स लेड. उन्होंने कुछ कहना है सर. खैर क्या दें, क्या बात है सर, बात कर ले मैं उसके बाद. जी जी आप बताएं. तशरीफ रखें जनाब बैरामन साहब. शुक्रिया जनाब चेयरमैन. रूल 166 के तहत, सेनेट रूल्स ऑफ बिजनेस रूल 166 के तहत हर साल कमेटी जितनी भी उनकी एम्बिट में मिनिस्ट्रीज आती है उनके डेवलपमेंट फंड्स को एक बार गो थ्रू करती है, उसको चेक करती है, और ये कमेटी पर मैंडेटरी भी है. जनाब चेयरमैन, इससे पहले हमने कमेटी ने जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को जो पीएसडीपी से जो फंड गए थे पिछले 3.5-4 साल के, उसके हवाले से भी जो डिस्क्रिपेंसी वो आइडेंटिफाई कराई थी वो भी इस सैफ्रॉन की कमेटी ने आइडेंटिफाई कराई थी, जिस पर हम आपके मशकूर है कि आपने उसके लिए एक फॉरेंसिक ऑडिट की डायरेक्शन दी और आज उस पर फॉरेंसिक ऑडिट पे काम शुरू है. लेकिन उसका एक महीने का टाइम दिया गया था, अब तक वो रिपोर्ट जो है वो हाउस में ले नहीं की. तो मेरी इस पर भी सबमिशन है कि एक तो अगर उस पर दोबारा डायरेक्शन दी जाए कि उसको फिल फॉर हाउस में ले किया जाए, टेबल किया जाए, और दूसरी ये कि से SDGs प्रोग्राम जो कि PSDP से चलाया जाता है और तमाम वो डिस्ट्रिक्ट और वो डिस्ट्रिक्ट को फंड दिए जाते हैं जो कि लेस डेवलपमेंट एरिया है, ये वो 17 गोल्स है जो कि पाकिस्तान ने अचीव करने हैं, जिसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, रोड और मुख्तलिफ किस्म के डेवलपमेंट स्कीम्स है. तो कमेटी ने एक बार इसकी तरफ तवज्जो दी कि 2020-21 और 2021-22 में जो फंड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को गए, हमने सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट को इस बार चेक किया, तो दो डिस्ट्रिक्ट में जब हमने उनकी रिपोर्ट देखी तो उसमें एक बहुत बड़ी एम्बेजलमेंट सामने आई है, जिसकी रिपोर्ट आपके सामने ले भी कर दी गई है. और इस एम्बेजलमेंट की स्टेटमेंट इदारा खुद, उसका XCN, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव, उसका चीफ इंजीनियर और उनके SC दे चुके हैं. अब इसमें कोई भी मतलब दूसरी बात या अभाम नहीं है कि ये चोरी नहीं की गई, बल्कि ये जो हमारे फंड्स थे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के, उनमें बहुत बड़ी लेवल की चोरी मौजूद है और जो उनके ऊपर खुद सबूत है. इस बार हमने, चूँकि इन्होंने इस रिकॉर्ड को टेम्परिंग करने की कोशिश भी की थी एक बार, जिस पर हमारे जो दो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है कमेटी ने उनको लूप में लिया और उनसे फिल फॉर इनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत जारी की. और एक अजीब बात कि एक BSc का स्टूडेंट जिसके अकाउंट में 26 करोड़ रुपए देखे गए, जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया एक अरब 26 करोड़ रुपए, एक बच्चे BSc के जो BSc का स्टूडेंट है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के फंड हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है. लेकिन ये मसला यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये अब तो हमने एक इनिशिएटिव लिया था, लेकिन मेरा ख्याल से कि जब ये दूसरे कमेटीज इसको चेक करेंगे तो शायद ये इसमें और भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट इसकी जद में आ जाएंगे, इस करप्शन जो इसमें करप्शन हुई है. तो सिर्फ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, जिससे मेरा ताल्लुक है, उसमें एक रात में 26,40,000 फुट पाइप बिछाया गया एक रात में 26,40,000 फुट की खुदाई की गई है. उसके लिए जो इन्होंने अमाउंट रिलीज किए वो है तकरीबन 38,40,75,000 रुपए सिर्फ एक रात में. और अगर हम इसको पर वक्त नैप डीजीनैप के इल्म में ना लेते तो शायद वो 9 करोड़ और 75 लाख रुपए जो थे वो भी शायद ये कॉन्ट्रैक्टर ले जाता और फिर ये केस पे केस चलता रहता. चूंकि इन्होंने फायदा उठाया जब गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, तो इन्होंने उस वक्त इस सिनेरियो से फायदा उठाते हुए फंड फिल फॉर अकाउंट से निकाल लिए. फंड निकालने के बाद हमने दोबारा एक मीटिंग बुलाई जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंकशाफात हुए, जिसमें अफसरान ने खुद मान लिया कि हाँ इसमें इन्वेजलमेंट हुई है. नैब ने एक अकाउंट फ्रीज किए जिसमें 68 करोड़, दूसरा अकाउंट जिसमें 5 करोड़ के करीब अमाउंट जो है वो इस वक्त मौजूद है. दूसरी कि इनने हमें 2-3 के करीब चेक दिए, एक PLA 1 की तरफ और दूसरा PLA 4, दो चेक जो PLA 4 की जो कि तकरीबन टोटल अमाउंट बनती है 12 करोड़93 लाख रुपए, जो चेक मेरे पास मौजूद है और मैंने उनके स्टेटमेंट्स और उसके रिकॉर्ड जो है वो आपके
रिपोर्ट में शाया भी कर दिया। तो जनाबी चेयरमैन, ये चेक क्या सरकार के ट्रेजरी में वापस जमा हुए? सरकार के ट्रेजरी में जमा होने लगे थे, उन्हें चेक और ड्राफ्ट बना दिए, लेकिन इसी रात चार अफसरों को सस्पेंड भी कर दिया। ट्रैक चेक की तमाम डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद है, जो मैंने हाउस के उसमें भिजवा दिए रिकॉर्ड में। तो जनाबी चेयरमैन, तो ये कमेटी को मैं तो पहले अपनी कमेटी और अपने मेम्बरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक बहुत बड़ी जो एम्बजमेंट होने वाली थी या हो चुकी थी, उसको इसको निशानदेही कराइए। आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी कमेटी ने कभी भी किससे रिकवरी नहीं कराई, ये सैफरान की पहली कमेटी है जिन्होंने रिकवरी कराई है। तो मैं अपने मेम्बरान को जी बहुत मुबारक, तो अगर इस तरह सारे काम करें तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। बाकी हमारे हमारे पास जो हाउस की, आप हमें ज्यादा टाइम देते हैं, आप हमारे जो जितना भी वो है सपोर्ट है वो आपकी तरफ से, इस वजह से कमेटियां कारकर्दगी दिखा रही है कि वो इस तरह के काम करे। और ये पूरी कमेटी खराज तहसीन की मुस्तहिक है, और मैं अपने दो तीन मेम्बरान की भी वो करता हूँ कि वो भी अगर इस पर बात करना चाहे तो उनको भी इजाज़त दे। सेनेटर साहब बात करना चाहते हैं और बैरमन साहब इस पर बात करना चाहते हैं, तो मेरी दरख्वास्त है उनको भी दे, और मिनिस्टर फॉर स्टेट भी इस पर बात करे ताकि ये क्या हो रहा है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया सैफरान की कमेटी। शुक्रिया, आपके लिए अवार्ड का भी कहते हैं कि दे दें आपको। जी बताएं हिलाल साहब, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, लीडर ऑफ द अपोजिशन से तो मेरी तवक्कुआत थी कि चूंकि ये एक बड़ा स्कैम है और इसमें वो हमारी मदद करेंगे, क्योंकि इनकी पार्टी की जद्दोजहद रही है 20-25 साल सिर्फ करप्शन के हवाले से इनने जद्दोजहद की थी कि हम इन करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ हैं और इनको निकाल उकाड़ेंगे। और इसी एडिकेशन में आज को जो पिछली गवर्नमेंट में इनको वो वोटिंग मिलती रही है, वो इस करप्शन के उस पर ही इनको वोट मिला। इन्होंने मुझे ज़ाती तौर पर बताया कि आपका किस पे हाई कोर्ट में मसला है, लेकिन कोर्ट का मसला और यहाँ के मसले में तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, वो तो बहुत पहले का ख़त्म हो चुका है। और वो जो उसमें मुझे इख्तियार दिया गया था वो कैबिनेट डिवीज़न ने एक लेटर के थ्रू और आपकी गवर्नमेंट ने ही हमें दिया था कि आप इतने ही शेयर होल्डर हैं जितना कि दूसरा मेम्बर हो सकता है। वो अलग बात है कि अपोजिशन को और या अगर आपकी गवर्नमेंट के गवर्नमेंट का मेम्बर आपके साथ ना हो तो उनके उनके खिलाफ कार्रवाई कर दें। तो जनाबी चेयरमैन, मैंने तो बहुत ज़्यादा तफसीलात उस पर नहीं बताई, अगर मैं ज़्यादा तफसीलात में चला जाऊँ तो ज़्यादा इसमें मुश्किलात खड़ी होंगी अपोजिशन के लिए, क्योंकि जिस वक्त हुकूमत जा रही थी तो उसी वक्त ख़जाने को नकब लगाया गया 14 अरब का PSDP के सैप प्रोग्राम की उस वसात से, कि 14 अरब की एक ट्रांजेक्शन कर डाली है खैबर पख्तूनख्वा को। तो ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम होगा अगर इसको पूरा खोलेंगे, और पूरे अगर 3 साल में चले जाएं तो ये 33 अरब रुपए का स्कैम खोलेगा फिर। तो जनाबी चेयरमैन, जब कमेटी मीटिंग हुई तो इस कमेटी मीटिंग में मेरे साथ जो मेरे दोस्त थे गुरदीप सिंह साहब, वो भी इसमें तशरीफ़ रखते थे, जो जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है, सेनेटर दोस्त मोहम्मद साहब वो भी तशरीफ़ रखते हैं, और सेनेटर सानिया निश्तर साहिबा जो कि एक काबिल औरत है, आपको पता भी है कि, और एक सीजन पॉलिटिशियन भी है और इनका बहुत अच्छा रोल है, हम सबको पता है इसका। तो इस पूरे प्रोसेस में किसी जगह भी कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं की गई, इररेगुलरिटीज़ को तलाश किया गया। एक मीटिंग की और दूसरी मीटिंग में उन्होंने खुद मान लिया कि हमने करप्शन की है। अब इसमें मेरी क्या गलती है जब उन्होंने लिख के दे दिया कि मैंने करप्शन की है? तो फिर तो आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, और लेटर मैं आपको भिजवा देता हूँ सारे, जिसमें XCN ने, जिस पर उनके चीफ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ने और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ने, बल्कि DG ने खुद उसको माना है कि हमने करप्शन की है। अब अगर DG खुद मान जाता है तो मैं क्या करूं, उसके मिनट्स मेरे पास रिकॉर्डेड है, मैं उसका वारबेटम आपको भिजवा देता हूं, उनके सवाल और जवाब हमारे बीच और उनके बीच में सिर्फ सवाल और जवाब हुए, और सवाल और जवाब के बाद 5 मिनट बाद वो मान गए। अब ये कैसे हो सकता है कि एक रात में आप 26 लाख फुट पाइप, जिसकी अगर आप लेंथ में डालें, मोटरवे से अगर आप डालें तो लाहौर और लाहौर से मुल्तान तक बिछ जाएगी ये पाइप, 26 लाख फुट पाइप, उस 844 किलोमीटर बनती है, एक रात में अकाउंट में आया। इसी दिन आपने AA इशू किया, इसी दिन रात आपने 1 अप्रैल को AA इशू हुआ, 2 अप्रैल को सबर किया, और 3 अप्रैल को आपने अकाउंट से सारे ट्रांजैक्शन कर डाली। क्यों? तो क्या जब उसमें MB में चेक किया गया तो बताया गया कि हमने पूरी की पूरी पाइप लगा दी, वो पाइप जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ऐसे पाइप के नाम से जो आइटम डाला गया चोरी की गई। ये सिर्फ यहाँ नहीं की गई सर, ये खैबर में भी की गई, ये बाजौड़ में भी की गई, अब अगर मैं सच बताना शुरू करूं मोमन में भी की गई, ये फिर चारसद्दे में भी की गई, और वो तमाम डिस्ट्रिक्ट अब इसके जद में आएंगे।
मैंने आपको कहा ना कि आखिरी रातों में 14 अरब रुपए की ट्रांजेक्शन कर डाली खैबर पख्तूनख्वा को। बहुत से ऐसे स्कीमें हैं कि उनके तो अब तक 200 मिलियन गायब है, केपी गवर्नमेंट को जा चुके हैं, जिनके PC1 मिल भी नहीं रहे हमें। तो जनाब चेयरमैन मेरी दरख्वास्त है कि मैं किसी के साथ जातियात पे नहीं हूँ, और अगर एक चीज सामने आई है इसमें चोरी है, इसमें एम्बजलमेंट है, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस मसले को लेकर आए हाउस पे रखे। और उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, तमाम अफसर, मैंने किसी अफसर को सस्पेंड नहीं किया, उनकी मिनिस्ट्री ने जब उनके करतूत देखे तो उनको सस्पेंड कर दिया, उनके ऊपर उनने खुद उन नैब ने उनके ऊपर कॉग्निजेंस ले ली, अब नैब उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें मेरी कोई वो नहीं है, नैब का इख्तियार है कि वो इसमें इन्वेस्टिगेशन करे और उनको कैफर किरदार तक पहुंचाए। थैंक यू सर, शुक्रिया।